नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते जी। इनके यूट्यूब पर भेज दिए इनके वीडियो है। और यहाँ देखेंगे कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है और दोनों ऑप्शन यहाँ रखे गए हैं। अगर लाइट है तो मोटर से ये चलते हैं मोटर यहाँ पर, और अगर लाइट नहीं है तो फिर डीजल इंजन से ही कुछ चलाया जाता है। ये शाफ्ट सिस्टम है जिसको हम बहुत कॉमनली जानते हैं। और यहाँ से फिर रस यहाँ आकर के इकट्ठा हो रहा है इस होदी के अंदर। ये आप देख रहे हैं, ऐसी दो बनाई गई हैं, जब एक भर जाएगा तो कनेक्शन इस खाली होदी में कर दिया जाता है। और यहाँ से फिर प्रोसेस नंबर टू, स्टेप नंबर टू की तरफ बढ़ाया जाता है, और वो है इस पाइप से इसे लेकर जाएंगे यहाँ इन गर्म कढ़ाई के बीच। ये देखिए, यहाँ से इन पर गर्म किया जाता है। ये तीन बड़े कढ़ाई यहाँ पर लगे हैं और इसमें फिर रस को पकाया जाता है। तो ये ताज़ा अभी जूस गन्ने का निकल के जूस कोली में से निकला है, ये पीने के लिए लेकर आए हैं। मैं इसको पीने वाला हूँ। यम्मी स्वाद है। मज़ा आ गया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। इतनी बार इसको गर्म करके उबाला जाएगा उतना ही ये प्यूरीफाई होता जाता है। पहले वाले में से देखिए कितनी गंदगी निकलती है, जिसको हम यहाँ मली कहते हैं। दूसरे में, तीसरे कढ़ाई में जाते जाते ये और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, और फोर्थ वाले में एकदम प्योरीफाइड होगा। फिर आप उसे वहाँ से निकाल के डाल देते हैं इस बड़े से चाक के ऊपर, और यहाँ उसको तब तक फेटा जाता है जब तक वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम जैसा ना हो जाए, और फिर बनता है इस तरह का शानदार गुड़। एकदम पीला, टिपिकल हमारे यूपी वाला गुड़ इस तरह से तैयार होता है। फिर हम उन्हें इस तरह के बॉक्स में पैक करके भेज देते हैं मार्केट में बिकने के लिए। ये अभी गर्म है, ठंडा है? ठंडा, एकदम ठंडा है। ये देखिए, ये इतना चमकदार किस तरह से है, पीला रंग का। इसमें मसाला डाला है। ओके, तो मसाले से इस तरह का रंग आता है। तो लाल जो होता है वो मसाले की वजह से होता है या वो भी मसाले की वजह से हो जाता? अच्छा, अगर मसाला है लेके काला हो जाएगा, काला हो जाता है। ओके, ये जुगाड़ था ना, जुगाड़। ये जुगाड़ गया अभी निकल के हमारे पास से। गांव की जिंदगी अलग ही है ना, सिर पे रख के इतना इतना सामान ढो रहे हैं आप। जानवर को खिलाने के लिए कोई घास लेके आ रहा है, कोई बरसीन, और ये भाई साहब पत्ती लेके आ रहे हैं। सर पे जो बोझ लेके चले आ रहे हैं, ये पाती है। पाती मतलब जो सूखा हुआ गन्ने का छिलका पत्ते वो हैं, और ये काम आता है आजकल सर्दियों में पशुओं के नीचे बिछा के उसको गर्म रखने के लिए, है ना, उसे ठंड नहीं लगती। झोपड़ी थी, झोपड़ी
उसमें हम चले गए मेरे मम्मा। कौन सी झोपड़ी की बात कर रहे हैं? वहाँ से तरकड़ी वो इंजन के ऊपर झोपड़ी थी। हाँ। तो उसमें आग लग गई, वो स्टार्ट करते ही झोपड़ी में ऊपर। अच्छा। और सारी जड़ गई वो फिर पानी गिरा फटाफट फटाफट भर गया। अच्छा, तो इंजन ने जो फुफकारा मारा ऊपर उससे झोपड़ी में आग लग गई। हाँ। पत्ती की बना रखी थी, फिर आग लग गई, वो आग हो गई। अच्छा। हाँ, खा थोड़ी सी फूकी थी वह मम्मा। आग लग गई, आग ना बोलते हैं तो रेत था इसमें। अच्छा, पानी में रहता है ये? रेत ही रेत है यहाँ पे, खेतों में भी रेत। तो रेतली जमीन है, रेतली जमीन, तो इसलिए इसको बोलते हैं डंडा। अच्छा, तो कहीं जमीन हार्ड है तो उसको क्या बोल रहे थे? हार्ड जमीन को हम डहरी बोल रहे, डहरी। और कहाँ पे जहाँ रेतली जमीन है डंडा हो गया। दोस्तों, एक खूबसूरत सी शाम है, आज मेरी ट्रिप का तीसरा दिन है और 1, 2, 3, 4 और ये चौथा गांव है जहां पर मैं इस वक्त हूं। देखिए कितनी खूबसूरत जगह पर हूं इस वक्त मैं। आप देखिएगा मेरे बैकग्राउंड में उस तरफ है सनसेट होता हुआ उन पेड़ों के पीछे, और ये मेरे चारों तरफ है चिड़ियाओं की चहचहट, मोर, अलग अलग तरह के पक्षी, और खेत में बोया गया गेहूं, पीछे गन्ने के खेत, और खेत में उगी हुई सरसों, पीली सरसों। देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह पर हूँ मेरे इस तरफ, आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है। मैं कुछ देर बैठ कर के यहाँ सनसेट का मज़ा लेने वाला हूँ। गांव से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर ये खेत हैं, मैं इन खेतों में हूँ। मेरे जो बुआ जी के बड़े बेटे हैं वो इस वक्त, इनफेक्ट बड़े नहीं है, शायद मंझले बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मैं जानता नहीं क्या है, कभी कभी मिला भी नहीं उनसे, वो अलग ही रहते हैं किसी दूसरे शहर में। तो वो यहाँ पर अभी गन्ने काट रहे हैं। तो सनसेट देखने के बाद मैं उनके पास जाऊँगा और गन्ने कैसे काटते हैं खेत में, कितनी मेहनत का काम है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। जगह अच्छी है, आप भी सनसेट मेरे साथ इंजॉय करिए। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद गन्ने के खेत में गन्ना काटते हुए। लो जी, खेत से गन्ना हमने तोड़ लिया, तोड़ना इसलिए आदत पड़ी है, काट लिया, और हम जा रहे हैं घर। घर जाके आज रात को गन्ने चूसने वाले हैं, पुराने दिन याद आ जाएंगे, है कि नहीं? मैं चूसूंगा एक गन्ना चूस जाने को तेरे को। मजाक कर रहे हो पांडे जी? हाँ, एक गन्ना तो मैं डंगड़े में चूस गया था पकड़ के। अरे वैसे चूस लिया होगा वैसे कैसे चूस लिया होगा? लव, एक तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। नहीं सकता। अच्छा, अब भाई दिन चूस लो, दिमाग में आ जाती है। लव जी, ये बोला था। उस समय घर जा रहे थे, लौकी लगी देखी तो भाई को बोल दिया लौकी दे दे, और लो जी ले ली हमने लौकी। लंबी लंबी हो जानी। आन के कमाया तब जा रहे। रन का आ जाएगा और इसमें बच जानी है।